आप अपने ब्लॉग पे जो इमेजेस यूज़ करते हो वो बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 10 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप किसी भी कैटेगरी के लिए फ्री इमेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो जो इमेजेस होंगी वो बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री होंगी, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो होता है उसके अंडर आएंगी, और आपको हर एक कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही प्रोफेशनल इमेजेस वहां से आपको मिलेंगी। और इन वेबसाइट्स पे जितनी भी इमेजेस हैं उन सारे इमेजेस को ऑल ओवर द इंटरनेट कोई भी यूज कर सकता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर जो है ये वेबसाइट्स आती हैं और इनके इमेजेस भी आते हैं, तो कोई भी क्लेम तो करेगा नहीं। और इन इमेजेस को आप जो है सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे यूज़ कर सकते हो, फेसबुक पे यूज़ कर सकते हो, जो भी सोशल मीडिया है सब पे यूज़ कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, आराम से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि वो कौन कौन सी इमेजेस हैं। तो मैं लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला वेबसाइट है उसका नाम है pixabay.com। इसके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा। तो ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फोटोज, इलस्ट्रेशन, वेक्टर, वीडियोज़ और म्यूजिक, तो यहाँ पे जितने भी वीडियोज और फोटोज मिलेंगे वो सारे कॉपीराइटेड फ्री होंगे। इनका लाइसेंस आप पढ़ सकते हो और आप जो है फ्री में सारे इमेजेस जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पे साइन इन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप साइन इन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे साइन इन की कोई जरूरत नहीं होती है। आप हाई क्वालिटी, जो भी क्वालिटी आपको चाहिए, हर क्वालिटी के इमेजेस आपको मिल जाते फ्री। और यहाँ पे फोटोज पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सारे फोटोज जो है इस तरह से बिल्कुल ही हाई क्वालिटी फोटोज, जो आप चाहे जिस तरह के फोटोज आपको चाहिए सब तरह के फोटोज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरीज अगर आप देखोगे तो लगभग सारे कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एनिमल हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, ब्यूटी फैशन हुआ, बिजनेस फाइनेंस हुआ, एजुकेशन हुआ, लगभग सारे जितने भी जो भी कैटेगरी आपका है सब कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अगर वीडियोज चाहिए तो सिर्फ आप वीडियोज भी यहाँ पे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाता है, इलस्ट्रेशन मिल जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स, फोटोज मिल जाता है। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बस आपको इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोटो जो है ऐसे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डाउनलोड दिया हुआ है, फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे रिजोल्यूशन दिए हुए हैं, कौन से रिजोल्यूशन का आपको चाहिए वो रिजोल्यूशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे जो है पिक्साबे का लाइसेंस भी आप जो देख सकते हो, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। दूसरा वेबसाइट है वो है pixels.com, और यहाँ पे भी आपको हर तरह की कैटेगरीज मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दोनों तरह के इमेजेस मिल जाएंगे, जो पोर्ट्रेट इमेज होते हैं वो भी मिलेंगे और जो लैंडस्केप मोड में होते हैं वो भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं, जिस तरह का आपको वीडियोस चाहिए वो भी आपको यहाँ पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारे वीडियोस आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको जो है किसी भी इमेजेस पे आप जाओ और वहाँ पे यहाँ पे देखो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको फ्री डाउनलोड कर लेना है। बाकी यहाँ नीचे इससे रिलेटेड भी इमेजेस आपको मिल जाती हैं और फ्री डाउनलोड पे ऑप्शन है तो फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कस्टम, जो भी आपको साइज चाहिए उस साइज़ में भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है फ्री टू यूज़ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आपको फ्री एकदम बिल्कुल होगा, कभी भी इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया वो है unsplash.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी हाई क्वालिटी फोटोज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं लगभग हर एक कैटेगरी के लिए। इसके जो कैटेगरीज हैं वो सारे ऊपर यहीं पे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं सारे कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। व्यू वॉल पे करोगे तो और भी सारे कैटेगरीज आपको मिलेंगे। नीचे आपको फोटोज़ भी यहाँ पर दोनों तरह के फोटोज़ मिलते हैं, लॉन्ग और पोर्ट्रेट मोड दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रोफेशनल इमेजेज हैं और ये भी फ्री टू यूज़ है। ये इस साइट पर सिर्फ आपको फोटोज़ मिलते हैं, वीडियोज़ नहीं मिलता है। तो अगर आपको मान लीजिए इसमें से कोई फोटोज यूज करना है तो सिर्फ आप इस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आकर के आप जो है डाउनलोड कर लोगे। स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीन साइज मिलते हैं और ओरिजिनल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो फोटोज हैं वो आपको यहाँ पे नीचे सजेस्ट करेगा। बाकी आप देख सकते हैं फोटोज जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी फोटोज हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वेबसाइट। चौथा वेबसाइट की बात करूँ तो वो है बस्ट, ठीक है। बस्ट इसका नाम है, ये शॉपिफाई का वेबसाइट है। आप देख सकते हो कि शॉपिफाई का ये सब डोमेन बस्ट है। शॉपिफाई के तरफ से यहाँ पे आपको फोटोज मिलते हैं, वो भी हाई रेजोल्यूशन, और ये फ्री टू यूज फोटोज हैं, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए आपको जो है फोटोज यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इसके कलेक्शन में ब्राउज हाई रेजोल्यूशन फोटो कलेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल फ्री फॉर
कमर्शियल यूजेस, तो कमर्शियल यूजेस के लिए भी ये फोटोज़ जो है अवेलेबल हैं, मतलब कि आप अपने ब्लॉग पे इसको लगा करके उससे पैसे भी अर्न कर सकते हो, अपने एड्स में लगा सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में इन फोटोज़ को यूज़ कर सकते हो या वीडियोज़ को, ठीक है। तो कमर्शियल मतलब जहाँ से भी आपको इन फोटोज़ से अगर पैसे कमाने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग कैटेगरी, यहाँ पर सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आप देख लो ये पूरा, बस आपको इस पर क्लिक करके जो है वो यूज कर लेना है, इस फोटो को डाउनलोड करना है और यूज कर लेना। पांचवा वेबसाइट जो है वो है रीसॉर्ट। रीसॉर्ट ये है, यहाँ भी आपको हर एक कैटेगरी मिल जाती है, ये भी जो है फ्री फॉर यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप जो है फोटोज जो है इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन्स भी आपको मिल जाते हैं, इलस्ट्रेशन भी मिल जाते हैं और फोटोज तो है ही, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कैटेगरीज, हर कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी बने हुए हैं। बाकी अगर फोटोज आप देखोगे तो काफ़ी हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल फोटोज हैं, आप देख सकते हो, सिर्फ आपको क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा वेबसाइट। छठवां वेबसाइट है आपका फूडीज फूड। फूड से रिलेटेड अगर आपका ब्लॉग है तो उसके लिए ये स्पेशल वेबसाइट है। अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हो तो आपको हर एक तरह के फूड के पिक्चर्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे और फ्री डाउनलोड आपको पिक्चर के ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है फ्री डाउनलोड का, ठीक है। हर तरह के फूड के फोटोज जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप जो है, अगर आपका फूड कैटेगरी है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। अगला जो वेबसाइट है वो है stocksnap.io। तो यहाँ पे भी देख सकते हो फ्री स्टॉक फोटोज और यहाँ नीचे लाइसेंस भी दिया हुआ है फ्री फ्रॉम कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस। तो आप बाकी नीचे यहाँ पे फोटोज देखोगे तो सारे प्रोफेशनल फोटोज हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्वालिटी जो होती है फोटोज की, जैसा चाहिए आपको सब मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पे सारी कैटेगरीज भी आपको मिल जाती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे मिलती है। तो लगभग सारे कैटेगरीज जहाँ तक मैंने चेक किया है तो लगभग इस पर भी सारे कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल हैं, तो इस वेबसाइट का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला जो वेबसाइट है वो है पिक्सप्री। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फ्री फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़ का लाइसेंस ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे सारे कैटेगरीज हैं, जैसे नेचर एंड लैंडस्केप, फूड एंड ड्रिंक्स, पेट्स एंड एनिमल्स, लगभग सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। और फोटोज़ भी जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल फोटोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए आज थोड़ा लोड नहीं हो रहा जल्दी, लेकिन आप देख सकते हो जो भी लोड हुआ है वो काफ़ी फोटोज जो हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी फोटोज़ जो हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी लाइसेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कॉपीराइट जो है इस इनके इमेजेस पे नहीं आएंगी। अगला जो वेबसाइट है उसका नाम है ग्रैटिसोग्राफी। ग्रैटिसोग्राफी बेसिकली जो आपने ग्राफिटी का नाम सुना होगा, ग्राफिटी टाइप की जो इमेजेस होती हैं या फिर जो इलस्ट्रेशन टाइप की इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो वो सारे इमेजेस यहाँ से आपको मिल जाएंगी, जैसे फोटोज़ वेक्टर्स, हाँ वेक्टर्स उसको बोलते हैं, तो वेक्टर टाइप की जितनी भी इमेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप वेक्टर टाइप की इमेज अपने ब्लॉग में यूज़ करना चाहते हो जैसे कि इस तरह से, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ये भी जो वेबसाइट है वो फ्री है, ठीक है, आप आराम से फ्री यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको कैटेगरीज इतनी सारी मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीस एंड माइंड लाइसेंस विदाउट कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, तो यहां भी दिया हुआ है ऑलवेज फ्री, पहले ही लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसको भी आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला जो वेबसाइट है उसका नाम है पिक्स जंबो, ठीक है। तो पिक्स जंबो वेबसाइट जो है वो भी स्टॉक फ्री वेबसाइट है और यहां पे आप देखोगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री, स्टॉक फ्री, बैकग्राउंड एंड फ्री हाई रेजोल्यूशन फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज, ठीक है। बाकी इसके जो सारे कैटेगरीज यहां पे लिस्टेड हैं और नीचे सारे फोटोज आप देख सकते हो, फोटोज आप यहां पे देख सकते हो, सब हर एक कैटेगरी के लिए यहां पे फोटोज अवेलेबल है और आप जो है फोटोज़ को आराम से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी रिजोल्यूशन में और आराम से यूज़ कर सकते हो, ना ही कोई आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत है, ना ही कुछ। अगर आप चाहो देखो तो क्रेडिट दे सकते हो, नहीं भी दो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्होंने पहले ही पर्सनल और कमर्शियल यूज़ के लिए फ्री करके रखा हुआ है। और लास्ट वेबसाइट जो है वो है लाइफ ऑफ पिक्स, ये भी फ्री हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी, यहाँ पर भी आपको फ्री फोटोज़ पूरे मिल जाते हैं और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन, इसका जो रेजोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी हाई रेजोल्यूशन आपको मिलता है और बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पे वीडियोस भी आपको फ्री में मिलते हैं और इसके फोटोज़ बस आप देखना कि कितने हाई रिजोल्यूशन के हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से पूरा लॉन्ग इमेजेस और बिल्कुल ही हाई रिजोल्यूशन का फोटोज़ यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये आप देखो, ठीक है, फोटोज़ पूरा हाई रिजोल्यूशन, 4 से 5 MB के फोटोज़ यहाँ पे एक एक फोटोज़ होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं आपको एक भी फोटोज़ ऐसा नहीं दिखेगा जो कि लो रिजोल्यूशन का हो, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते
सकते हो। तो बाकी यहाँ पे आप फ्री वीडियोज अगर आपको यूज करना है तो वीडियोज भी आप यूज कर सकते हो। फ्री वीडियोज पे अगर आप हम क्लिक करेंगे तो ये जो है दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगा जिसका नाम है लाइफ ऑफ वीड्स। और लाइफ ऑफ वीड्स यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे भी फ्री वीडियोज आपको मिल जाते हैं। तो फ्री वीडियोज में आप देख सकते हो इस तरह के वीडियोज हैं, यहाँ पे आप सारे वीडियोज जो है वो हाई क्वालिटी वीडियोज है जिसको कि आप अपने इमेज में, जिसको कि आप अपने वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में या फिर सोशल मीडिया पे भी आराम से यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको जो है यहाँ पे लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्री में आपको ये सारे वेबसाइट जो है वो मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस भी इतने सारे वेबसाइट्स जो हैं वो बिल्कुल ही आपको फ्री में यहाँ से जो मिल जाते हैं। और आपने जो हो सकता है दो तीन वेबसाइट्स इसमें से जो यूज़ किया होगा कॉमनली जो है वो पिक्साबे, पिक्सल्स और अनस्प्लस काफ़ी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारे जो हैं वेबसाइट्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये पूरा वेबसाइट आपको बताया है। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जिसका कि मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको एक ब्लॉग का लिंक मिलेगा जहां पे जाकर के आप जो है सारे वेबसाइट्स के लिंक जो है वो एक्सेस कर सकते हो और आप उन वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हो। तो अगर जो इमेजेस सर्च करने में प्रॉब्लम होती है कि हमें परफेक्ट इमेज नहीं मिलता है तो वो सारे इमेजेस हम कहां से लेके आएंगे, तो उसके लिए ये सारे वेबसाइट्स जो हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वेबसाइट्स काफ़ी पसंद आई होंगी और यहाँ से आपके नीड की जितनी भी इमेजेज हैं सब मिल जाएंगे। जिस तरह की इमेज आप सर्च करना चाह रहे हो वो सारा इमेज जो है आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। बस आपको सर्च करना है कौन सा परफेक्ट इमेज आपके ब्लॉग के लिए सूटेबल है, आपके कंटेंट के लिए सूटेबल है। सिर्फ आपको उन इमेज को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आप अपने ब्लॉग में ऑप्टिमाइज करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इमेज कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जा करके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके पास है या यूट्यूब से रिलेटेड है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।